बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिंपल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करना चाह रहा था और साथ ही साथ कुछ ऐसी जानकारियां जिसकी आजकल लोग काफ़ी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और इस वक्त ज़रूरत भी है हमारे बगीचों के रखरखाव से संबंधित। इकोनॉमिकली भी सोचना पड़ेगा कि आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वो बहुत ही एक्सपेंसिव तो नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो रस्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा मिक्स नहीं करना आप लोगों ने, या ओवरडोजिंग नहीं करनी। अगर आप स्कोर को डाल रहे हैं तो 30 ml रिकमेंडेड है। आप जब भी दवाई की डोज डालते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौणी द्वारा जो स्प्रे सारणी है, या आप नज़दीकी विभाग से ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी गूगल पे जाके स्प्रे सारणी 2023 का चार्ट निकालिए, उसमें भी ज़रूर आपको मदद मिलेगी। जो रिकमेंडेड डोज होती है उसी के साथ, जैसे आगे लोग मेरी वॉन डालते हैं तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि शॉपकीपर या कंपनी में उसको बहुत हायर साइड पे डालते हैं 80-90 ml, जबकि उसकी 20 ml की डोज है 200 L वाटर में। तो बागवान साथियों, हम खर्चे अपने खुद बढ़ाते हैं और इस ओर हम ध्यान नहीं देते। हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और जो एक्चुअल में डोज है उसके हिसाब से, अदरवाइज रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाएगी, दवाइयाँ काम नहीं करेगी। बाद में हम और आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि दवाई काम नहीं करेगी। दवाई काम कैसे करेगी? दवाई तब काम करेगी जब आप उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई करेंगे और डालते रहेंगे। ये तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई। तो अब फंगिसाइड की बात आएगी कि पेट्रोल फॉल पे कौन सी फंगिसाइड आपके पास ऑप्शन है। रोको, थायो फिनेट मिथाइल, माइक्लोबुटालिन, आप लोग इंडेक्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं, अदर कंपनीज़ के भी आते हैं, कुछ अलग अलग कंपनी के आते हैं, और निमरोड आता है अडामा कंपनी का, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो मुझे जो लगा शायद रोको इनमें सबसे सस्ता अवेलेबल है अभी। आप इसको सिस्टमेटिक, ये फंगिसाइड्स है और ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए काम करती है और दूसरी डिजीज के लिए भी काम करेगी, आपके स्कैब के लिए भी काम करेगी अगर अभी स्पोर्स आते हैं। और इसके साथ साथ अगर कई इन्फेक्टेड ऑर्चर्ड है जहां स्कैब लास्ट ईयर भी था, इस साल ज़्यादा खतरा है, खासतौर पर जो ये हमारा चुंजर का ऊपर का क्षेत्र है। तो बागवान साथियों, जैसे ही मौसम खुलेगा आप स्प्रे करेंगे, आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन यूरिया खासतौर पर, उसको आप ड्रम में मिक्स करेंगे लगभग 15%, उसमें आप मोटी तौर पर 8-10 kg भी आप ले सकते हैं, और जो फ्लोर में है नीचे उस पर स्प्रे कीजिए घास के ऊपर। उससे क्या हो जाएगा, आपके जो स्पोर्स होंगे स्कैब के वो कहीं ना कहीं मर जाएंगे, या अल्टरनेरिया मर्सोनिना के होंगे, हाईली नाइट्रोजन किल करती है इसको, इसके स्पोर्स को। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ऐसी चीज़ें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखिए अपनी प्रैक्टिस। और जो लोग टॉनिक को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें मैंने आपको बोला कि आपके बायोस्टिमुलेंट है, बायोजैम फ्रूट प्लस है, आपके दूसरे अन्य भी आते हैं सीवीड टाइप में, आप जो भी आपको सही लगे, उचित लगे, आप उसको डाल सकते हैं।